नमस्ते भाई बहनों, आप सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं आपको नवा अध्याय सुना रही हूँ। सुनना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो, बोलो लक्ष्मीनारायण भगवान की जय हो। और आज नवे अध्याय में है राजा भरत का हिरण शरीर त्याग कर ब्राह्मण राजा भरत का हिरण शरीर त्याग कर ब्राह्मण के घर जन्म लेने का वर्णन। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो, बोलो लक्ष्मीनारायण भगवान की जय हो। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमो। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन भरत जी, हिरण का जन्म त्याग कर वन में रहने लगे, तथापि हरि भजन की महिमा से पिछले जन्म की स्मृति थी, अतः अपने अज्ञानता को याद कर मन में विचारते थे कि हरि चरणों को त्याग कर जैसा इसने उस बच्चे से किया, मैं हरि चरणों में मन लगाने के लिए गया था और मैंने हिरण का बच्चा देखा तो मैंने उसी से प्रीति करी। हरि चरणों को त्याग कर जैसा इसने उस बच्चे से किया, वैसा अपनी पति व पुत्र से भी नहीं किया। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। वैसे अपने पति और पुत्र से भी नहीं किया, उसके मुँह के कारण ही मनुष्य से हिरण की देह पाई है। जब भरत जी उस समय हिरण का मन, पिछले अध्याय में जो मैंने सुनाया कि बच्चे के ध्यान में मर गए, भरत जी बच्चे के ध्यान में मरने के कारण देह त्याग कर हिरण का जन्म प्राप्त किया। बोलो कृष्ण भगवान की जय। ये पिछले अध्याय में था और आज के अध्याय में ये है कि उसके मोह के कारण ये मनुष्य के हिरण की देह पाई। भरत जी पूरा बात सोचकर किसी हिरणी आज से प्रेम नहीं करते थे। जब भरत जी ने दूसरे जन्म में हिरणी का देह पाया है तो उनको किसी हिरणी से किसी से भी लगाव नहीं था। कहते थे कि ना मालूम इनकी संगति से क्या गति मिलती है। कहते थे, अगर मैं आप लोगों से संगति करूँगा या तो पता नहीं मुझे कौन सी गति मिलेगी या मेरी कौन सी गति होगी, क्योंकि पिछले जन्म में तो मैंने भगवान के हरि भजन करने के लिए जंगल में गया था और गंगा नदी के तट पर गया था और हिरण का जन्म पा लिया। इसी कारण वह किसी जीव को पीड़ित नहीं करते थे और ना हरी घास खाते थे। वो किसी जीव से न पीड़ित करते थे, न बातें करते थे और न घास खाते थे। गिरे हुए सूखे फल व पत्ते खाकर हिरण देह होते हुए भी हिरण का देह था, लेकिन ईश्वर का ध्यान एवं स्मरण करते थे। इतनी कथा सुनकर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, मृत्यु से प्रति क्षण मनुष्य को डरना नहीं चाहिए। मृत्यु के समय मनुष्य को एक भी क्षण नहीं डरना चाहिए। ना मालूम किस समय मौत आ जाए। एक हिरण के बच्चे से ऐसा मोह कर दिया कि जो ऐसे महात्मा की यह गति हुई। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। फिर दूसरों की क्या शक्ति है, जो कोई हरि भजन छोड़कर माया जाल में फंसेगा उसकी ऐसी ही गति होगी। भरत उस शरीर में निरंतर इसी बात को सोचते थे कि जल्दी ही इस शरीर से मुक्ति मिले तो मनुष्य शरीर पाकर ईश्वर का भजन करूँगा। वो सोचते थे कि मैं जल्दी इस शरीर को छोड़कर, न वो खाना खाते थे, न कुछ बातें करते थे किसी से, सूखे पत्ते खाते थे और कहते थे मैं इस शरीर को कब छोड़ दूँ हिरण का और मैं मनुष्य शरीर पाकर सिर्फ हरि भजन करूँगा। एक दिन नदी पार कर रहे थे, वे सूखे पत्ते खाने से दुर्लभ कमजोर हो गए थे, अतः पुल्हासम नदी में गिर गए। फिर अथर्ववेद पढ़ने वाला एक ब्राह्मण के पुत्र हुए, उनका नाम भरत रखा गया। जब वे युवक हुए, फिर पूरा जन्म का वृतांत याद करके संसारी मोह में फंसे और दिन रात परमेश्वर के भजन में ध्यान लगाए रहे। वो अपने पिता के डांटने पर भी पढ़ने में मन नहीं लगाया करते थे। उस ब्राह्मण ने अंत समय में अपने पुत्रों से कहा, हे पुत्रों, मैंने बहुत चाहा कि तुम्हारा भाई भरत कुछ पढ़े, परंतु उसने पढ़ाई में मन नहीं लगाया है।
इसी कारण मूर्ख रहा, इस कारण वह मूर्ख रहा। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। तुम लोग मेरे अंत समय की बात मानकर ऐसा उद्योग करना कि जिसमें वह पढ़कर चतुर हो जाए, जिसमें जिससे वह पढ़कर चतुर हो जाए। जब वह ब्राह्मण यह कहकर मर गया, तब उसके पुत्रों ने भरत को पढ़ाने के लिए बहुत प्रयास किए, परंतु वह नहीं पढ़ा। जब भरत का रूप बनाकर ऐसे कर रहने लगा कि कोई खिला दे तो खावे, कोई पिला दे पानी पिलावे तो पीवे, नहीं तो कुछ सोच न करके दिन रात परमेश्वर के ध्यान में मग्न रहा। भरत के भाइयों ने यह हाल देकर उससे अपना मन अलग कर दिया, परंतु भोजन उसको दे दिया करते थे। जब उन्होंने देखा कि यह गृहस्थी का कोई काम नहीं करता, बिठाई खाता है, तब तो उसे अपनी खेत अंगोरने के लिए बैठा कर कहा कि तुम देखा करो जिससे इस खेत का अनाज कोई न ले जावे। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। घर से भी हटा दिया और खेत के पास में बैठा दिया कि इस खेत को देखो कि कोई इस खेत का अनाज न ले जावे, पशु पक्षी भी न खावे। जड़ भरत ने उसकी रखवारी न की और वहाँ आनंद पूर्वक बैठकर परमेश्वर का ध्यान तथा स्मरण करने लगे। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। एक भीलों का राजा जो उस देश में रहता था, उसने प्रतिज्ञा की कि हे भद्रकाली, मेरे पुत्र होगा तो मैं तुम्हें मनुष्य की बलिदान दूंगा। हे भद्रकाली, अगर मेरा पुत्र होगा तो मैं तुम्हें मनुष्य की बलि दूंगा। जब भद्रकाली की कृपा से उसके घर पुत्र उत्पन्न हुआ, तब उसने एक बालक को बलिदान देने के लिए मोल लेकर उसका पालन किया, किंतु वह बालक अपना बलिदान दिए जाने का हाँ सुनकर भाग गया। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। तब राजा अपने नौकरों से बोला कि कुछ रुपया देकर एक मनुष्य बलिदान के लिए ढूंढ लाओ। वे लोग खोजते हुए रात्रि के समय उस खेत पर पहुंचे। उन्होंने वहां जड़ भरत को हष्ट पुष्ट देकर बलिदान देने के लिए पकड़ लिया और गले में रस्सी बांध कर राजा के मंदिर में ले गए। वहाँ राजा जड़ भरत को देखकर बड़े हर्ष से बोला कि तुम ऐसा अच्छा मनुष्य बलिदान देने के लिए लाए हो कि जो अपने मरने का कुछ डर नहीं रखता, आनंद मूर्ति दिखलाई देता है। भद्रकाली इसका बलिदान लेकर बहुत प्रश्न होगी। राजा ने ऐसी बोला है, बहुत प्रश्न होगा। राजा के पुत्र पुरोहित एवं ब्राह्मण महामूर्ख थे, वेद शास्त्र का हाल नहीं जानते थे कि मनुष्य का बलिदान देना चाहिए या नहीं। इस बात का विचार न करके जड़ भरत का छोड़ कराकर और उपटन लगवाकर स्नान कराया तथा बलिदान देने के लिए उसको नए वस्त्र भूषण पहनाए, इत्र और चंदन शरीर में मलकर बहुत अच्छा भोजन कराया। उस समय जड़ भरत ने मन में प्रश्न होकर कहा, जब से मेरे माता पिता मरे हैं तब से मुझे किसी ने ऐसा उत्तम भोजन नहीं कराया था। आज इन लोगों ने बहुत अच्छे पदार्थ में प्रेम से खिलाए। अब भोजन कराने के उपरांत जड़ भरत को गले में उत्तम फूलों का हार पहनाकर भद्रकाली के सामने खड़ा कर दिया। तब ब्राह्मणों ने राजा के हाथ में नंगी तलवार देकर कहा, मारो। जैसे ही राजा ने तलवार मारने को हाथ उठाए, वैसे ही जड़ भरत ने यह विचार कर अपना सिर उसके आगे झुका दिया कि पूरी व मिठाई खाते समय मैंने अपना मुंह फैलाया था, अब तलवार खाने के समय गर्दन सामने से हटाना उचित नहीं है। भद्रकाली ने उसको सिर झुकाते देखकर सोचा कि ये सब ब्राह्मण ऐसा ज्ञान नहीं रखते कि प्रजा को बलिदान देने से मना करना और इस हरि भक्त ब्राह्मण को दुख ना दे। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। यदि मैं उसकी रक्षा नहीं करती हूँ तो मुझे पाप लगेगा, क्योंकि कोई मनुष्य अपने सामने किसी को बिना अपराध दुख देवे तो उसकी रक्षा करनी चाहिए।
नहीं तो देखने वाले को पाप लगता है। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। ऐसा विचार कर भद्रकाली ने बड़ा क्रोध किया और खनक तथा खपर हाथ में लिए हुए चिल्लाकर ऐसी गर्जी कि वह शब्द सुनते ही राजा अपने पुरोहित समेत बहिरा होकर मूर्छित हो गया और तलवार गिर पड़ी। भद्रकाली ने उसी खनक से राजा और पुरोहित का सिर काट दिया। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। दोनों का सिर गेंद के समान उछलाकर इस इच्छा से नाचने लगी कि अगर जड़ भरत प्रश्न होकर मुझे कृपा की दृष्टि से देखे तो मेरा भला हो। इनके दुखी होने से मेरा कल्याण नहीं होगा। भद्रकाली ने नृत्य करने पर भी वे उसी तरह माथा झुकाए खड़े रहे। तब भद्रकाली ने स्तुति करके उनसे कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप कृपा करके मेरा अपराध क्षमा करें, क्योंकि जब किसी भक्त व सेवक दूसरे का अपराध करता है तो उसके मालिक का नाम धरा जाता है। सो आप ऐसा विचार करें कि यह राजा भद्रकाली का भक्त था, यह तो मेरा बड़ा दुश्मन है जिसने आप जैसे महात्माओं को दुख देना चाहा और राज्य व धन के मद में अंधा होकर तुम्हें नहीं पहचानता। जड़ भरत ने यह वचन सुनते ही मुस्काकर कहा कि आत्मा का कभी नाश नहीं होता, इसलिए अपना सिर काटने के लिए नहीं डरता, परंतु तेरा भक्त इस पाप के बदले में नरक भोगेगा। इस बात को मुझे बड़ा सोच है। जड़ भरत ऐसा कहकर वहाँ से चले आए। कहकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, तुम निश्चय करके जानो कि जो व्यक्ति अपना मन श्री नारायण जी में लगाए रहता है उसे कोई दुख नहीं दे सकता है। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो।